हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। जो लोग सीड से प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके लिए अब टाइम आ गया है कि वो अपने प्लांट्स को सिलेक्ट करें कि कौन से प्लांट को हमें सीड्स के लिए तैयार करना है। जैसे कि अब देख रहे हैं, ये फैब एंड चल रहा है, तो ये जैसे जिप्सोफिला का प्लांट है, तो जैसे इसमें सीड बनने लगे हैं। तो ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं ब्लैक कलर के। ये अब हमें सीड्स मिलने लगे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये टाइम होता है कि हमें डेड हेडिंग भी करनी रहती है, मगर हमें सीड्स भी कलेक्ट करने रहते हैं। तो जैसे हम यदि प्लांट को बहुत लास्ट में हम सेलेक्ट करेंगे, तो प्लांट में वीक फ्लावर्स खिलते हैं एंड आने तक, तो हमें जो सीड्स भी मिलेगा वो भी हमें अच्छा हेल्दी सीड नहीं मिलेगा। जैसे कि अब जैसे ये स्वीट अलाइसन के सीड्स आप देख रहे हैं कि ये इसमें भी सीड्स बनने लगे हैं। तो अब हमें ऐसे प्लांट्स को जिसमें सीड्स बनने लगे हैं या जो प्लांट बहुत हेल्दी हैं, तो उनकी हमें डेड हेडिंग नहीं करना चाहिए और उनको हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन से प्लांट जो हैं उनके सीड्स हमें चाहिए। तो फिर उनको आप ऐसे ही छोड़ दें और फिर उनके सीड्स आप जब वो पूरे प्लांट आपके ख़त्म होने लगे, तब उनमें से आप सीड्स आप निकाल लें। नहीं तो फिर क्या होगा कि जब हम सीज़न के बिल्कुल एंड में हम सीड्स जब कलेक्ट करेंगे, तो हमें जो सीड्स मिलेंगे वो सीड्स ना तो हेल्दी होंगे, ना ही वो अच्छे से ग्रो होंगे। इसलिए अब फैब वो मंथ होता है जब हमें प्लांट्स के लिए सीड्स के लिए प्लांट का सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि मेरे ये प्लांट हैं, तो इन प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई और इनके फ्लावर्स भी जैसे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैंने ये प्लांट्स अब सिलेक्ट कर रखे हैं। मगर आप देख रहे हैं कि जैसे इसके अंदर ये, अरे यार ये क्या हो गया, जैसे कि ये प्लांट है, ये फ्लावर एक्सपैंड हो गए, तो हमें इन फ्लावर्स को ज़रूर अलग करना है। ये जैसे इसको आप अलग कर लीजिए, तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये सीड पॉट है ये, तो इसको ऐसे ही रहने देना है, इनको अलग करना है, मगर ये सीड पॉट्स को हमें इसी तरीके से प्लांट पर लगे रहने देना है, ये ऐसे। तो ऐसे हमें बहुत अच्छे और हेल्दी सीड्स हमें अपने नेक्स्ट सीजन के लिए मिल जाएंगे। नहीं तो हमें जो सीड एंड में मिलेंगे वो अच्छे भी नहीं होंगे, और उनमें जब हम उन्हें ग्रो करेंगे तो उनकी जो फ्लावरिंग्स होगी वो भी बहुत कम होगी। इसलिए अब हमें वो प्लांट सेलेक्ट करने हैं जो हमें सीड्स के लिए रखने हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।